हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो दिन के बज गए हैं अभी 11, भाग्या का लंच वगैरह मैं दे आई हूँ टिफिन तैयार करके। तो गर्मी तो बहुत हो रही है, कोई हाल नहीं है। काम वाम मैंने सारा अपना निपटा लिया है, सिर्फ खाने का काम रह गया है। तो मैं अभी वही बनाने की तैयारी कर रही थी। तो सब्जी के लिए मैं की और आटा मैंने गूंथ लिया है। प्याज के परांठे भाग्य को मैंने बना के दिए थे, तो उसमें से आटा बच गया है। तवा मेरा गर्म हो रहा है, दूध भी गर्म हो रहा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के चिल्ले साथ में। गर्मी में मुझे थोड़ा सा करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, गर्मी तो लगती है लेकिन वो ये ना बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज बना रही हूँ मूँग दाल का चिल्ला। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल मैंने भिगो के रात को रख दी थी, तो उसे अभी पीसते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने ली है छिलके वाली मूंग दाल जो मैंने रात को भिगो के रखती थी। प्याज और लहसुन अंदर इसमें डालने के लिए इसके बैटर में। तो सबसे पहले डालते हैं लहसुन, प्याज और थोड़ी इसमें आधी मूंग दाल डाल दूंगी ताकि अच्छे से ये मिक्स होके पिस जाए। तो देखिए काफ़ी अच्छी से भीग गई थी ये मूंग दाल, रात को भिगोई थी मैंने। तो सुबह सुबह नाश्ते में ये बड़े बहुत अच्छे लगते हैं मूंग दाल के चिल्ले। तो अच्छे से मिक्सी में हम इनको पीस लेंगे। तो अब मुझे इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ये गाढ़ा जो हो गया है, पिस नहीं रहा है इसमें। तो थोड़ा पानी डालने से बहुत अच्छा बैटर बन जाएगा इसका, एकदम बारीक पिस जाता है। देखिए कितना अच्छा एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका। तो बैटर देखिए मैंने बर्तन में निकाल लिया। अब इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें गरम मसाला डालूंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता। इसमें लहसुन और जो प्याज है मैंने साथ में ही इसमें ग्राइंड कर दिया था, तो इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले जाते। तो बनता बहुत टेस्टी है और वैसे भी मॉर्निंग में दाल वगैरह का अच्छा प्रोटीन मिल जाता है छिलके वाली दाल से। चलिए अब बनाते हैं। तवा गरम हो रहा है, मैंने लिए इस मस्टर्ड सीड का ऑयल और तवा गरम हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सबसे पहले। तो चलिए अब बनाते हैं चिल्ला। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल मैंने डाल दिया है और बैटर डालेंगे अब। इसको ऐसे घुमा के जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं उसी तरह हमें चिल्ला बनाना होता है। तो देखिए कितना सुंदर ब्राउनी और क्रिस्पी लग रहा है। तो चलिए गाइज, अब हो गया है खाने का टाइम। मैंने लिया है चिल्ला और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, तो उसको दोबारा फ्राई कर लिया है। तो गाइज अब हो गया है खाने का टाइम और भूख भी लग गई है। तो वैसे भी चिल्ले बनाया मैंने, तो चिल्ला देख के तो और ज़्यादा भूख बढ़ गई है। चिल्ला कढ़ी ये कल बनाई थी, तो इसको दोबारा फ्राई कर लिया है। भुजिया और दही, भुजिया के साथ मुझे रोटी खाना भी पसंद है, रोटी के साथ भुजिया अच्छा लगता है हमें। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, बाय। और रेस्ट कर रही है, आराम से सो रहा है बच्चा, देखिए खूब सोती है, खूब मजे करती है, मस्त है, बेस्ट है इसकी लाइफ।